Hello friends, I am Nishant Kumar here to discuss about the basics electronics. Basic electronics में हम semiconductor diode के बारे में study कर रहे हैं. इससे पहले मैंने electronics, electrical, basic science and engineering और current affair का playlist बना रखा है. अपने आप तक वो नहीं देखा है तो please उसको देखें. और मैंने test series start कर रखा है. आपको टेस्ट भी होगा डेली बाय डेली, तो उसको भी आप टेस्ट दीजिएगा. टेस्ट को कोशिश कीजिएगा, आप अपने तरीके से पहले उसको अटेम्प्ट करें, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुने जी. आप सभी को मैं बता दूंगा कि ये बुक जो है उस भी बुक से ही लगाना है. जो क्या है बुक, हर चैप्टर के लास्ट में पहले आप मेरे से थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उस बुक के क्वेश्चन को लगाइए, जिससे आपको क्या होगी, सहूलियत होगी. अब तक अगर जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें. अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन पे क्लिक करते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा. मैं बहुत सारे लड़कों से क्वेश्चन पूछा था. चलिए जी, आपको पता है कि अब CBT 2 के सारे बच्चे का सिलेक्शन अब तो क्लियर हो चुका है. जो बाउंड्री लेवल पे होंगे उन्हीं को डाउट होगा. तो चलिए अब आपको कॉन्ग्रेट्स करता हूँ एक बार और. तो कंग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन फॉर CBT 2 एग्जाम. एंड आगे हम लोग बढ़ेंगे जी और पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. पीएन जंक्शन में हमने दो तरह के पढ़े थे. इससे पहले मैंने सेमीकंडक्टर में बता दिया, सेमीकंडक्टर का बॉन्डिंग बता दिया जी. कंडक्टर इंसुलेटर के हमने सिंबल्स बना रखे हैं. एनर्जी लेवल का डिस्कस कर रखा है. ड्रिफ्ट करेंट, डिफ्यूजन करेंट के बारे में डिस्कस कर रखा है. इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ रखा है हमने. उसके बाद हमने क्या किया था जी, इम्प्योरिटी मिलाने का, सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने के क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं. उसके बाद हमने टेम्परेचर के साथ उसका कैरेक्टर देखा था. उसमें बाद हमने पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस किया था. पीएन जंक्शन को बताया था कि मैं पीएन जंक्शन को क्या बोलते हैं जी, डायोड बोलते हैं. तो यहां से देख सकते हैं ये जो होता है नॉर्मली आपको पीएन जंक्शन मिलाने से नहीं होता है, इसको क्या किया जाता है जी, लैब में बनाया जाता है. तो यहां से देख सकते हैं कि ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या है जी, बहुत ही आसान है. देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल की तरह उतना ज्यादा लेंदी सिलेबस नहीं रहेगा, ठीक है ना. और ओवर व्यू ही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा डेप्थ में इसको ना पढ़िएगा. मैं बीटेक वाले और एमटेक वाले से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उतना डिटेल में ना पढ़ेंगे जितना आपने कॉलेज लाइफ में पढ़ा था जी, और ITI लेवल तक ही पढ़िएगा. चलिए, इसमें हमने बताया था कि पीएन जंक्शन में क्या जी, दो तरह की बायसिंग होती है. कौन कौन सी बायस होती है, तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग. अगर अभिनत होती है और क्या होती है जी, पश अभिनत होती है. दो तरह का होता है, अग्र और पश, ठीक है. तो फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग हम आज डिस्कस करने वाले हैं और रिवर्स बायस में डिस्कस करने वाले हैं. मैं बता दूं कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हमने क्या किया था जी, देखिए इसमें थोड़ा सा जो डायग्राम बना रखा है गलत बना रखा है जी. सर्किट देखिए, ये जो डायोड बना रखा है यहाँ पर गलत बना रखा है, ठीक है ना. तो इसको देखिए, ये किताब वाले ने बोला ना, पता नहीं किसने किताब बना रखा है, बहुत ही सारी गलती आ रही है. तो देखिए, डायोड का सिंबल कैसे होता है, डायोड का सिंबल ऐसे होता है. इसने सिंबल कैसे बना रखा है, ऐसे ये बीच वाली लाइन नहीं होगी यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा जी. नहीं तो आपको ऑप्शन में ऐसे भी दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सिंबल है जी. और सिंबल रिप्रेजेंटेशन टेम्पर, आपको सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन चैप्टर तो पढ़ना ही है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा. सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है डायोड का जी, तो ऐसा होता है. अब ये फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में मैंने क्या बताया था कि फॉरवर्ड बायसिंग जब भी करेंगे तो क्या करेंगे जी, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है जी, पी और एन. ये मेरा पीएन जंक्शन है, इसमें पी इधर है, एन है जी, ठीक है ना. एन इसको दिखाता है, पी इसको दिखाता है जी. अब देखिए तो पी जो जंक्शन है, पी जो वाला है सेमीकंडक्टर, उसको किससे मिलाएंगे थे, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे. एन को क्या करेंगे जी, लो वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे. तो इसको क्या बोलेंगे जी, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे. यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा. तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा जो बैटरी की पोलरिटी है उससे हम डिसाइड कर रहे हैं कि बायसिंग कैसा हो रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा है, रिवर्स बायसिंग हो रहा है. देखिए अब डायोड के हमने यूज, अब तक हमने डायोड बनाए हैं, सीखे हैं. अब हम डायोड की प्रॉपर्टी सीखेंगे और डायोड का कैसे यूज करते हैं ये सब सीखने की जरूरत है जी. तो हम फॉरवर्ड बायसिंग पहले पढ़ेंगे, फिर से रिवर्स बायसिंग पढ़ेंगे, फिर से उसका एप्लीकेशन देंगे कि फॉरवर्ड बायस का क्या एप्लीकेशन है, रिवर्स बायस का क्या एप्लीकेशन है. तो देखिए, फॉरवर्ड बायस में सिंबल बना रखा है. देखिए बैटरी का क्या है जी, हाई वोल्टेज को किससे कनेक्ट किया है, तो पी से किया है और एन से किया है. इसमें मैं बता दूं कि ये गलत है, ये वाले डायग्राम जो है आप इसी वाले डायग्राम को क्या कीजिएगा, कन्विंस कीजिएगा जी, ठीक है ना. तो यहां पर देखिए, एक या करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, तो हाई वोल्टेज है तो ऐसे करंट का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है. अब फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ का जो डिप्लीशन रीजन है, जो डिप्लीशन रीजन बना है वो क्या हो जाएगा, इसकी विड्थ कम हो जाएगी. जैसे ही विड्थ कम होगा तो क्या हो जाएगा जी, करंट फ्लो करने लगेगा. क्योंकि अगर ज्यादा चौड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसी को विड्थ डिप्लीशन रीजन को अगर रिवर्स में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो डिप्लीशन रीजन बढ़ने लगेगा. डिप्लीशन रीजन बढ़ने से क्या हो जाएगा जी, इसका डिप्लीशन रीजन ज्यादा बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, जिससे क्या हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा. क्योंकि चार्ज का मूवमेंट क्या हो जाएगा,
हर्डल करेगा ना, उसकी वजह से जितना चौड़ाई हो जाएगा डिप्लेशन जगह क्या हो जाएगा, चार्ज का मूवमेंट क्या हो जाएगा, दिक्कत करने लगा। लेकिन फॉरवर्ड बायस में तो हुआ डिप्लेशन जगह क्या हुआ, पतला हो गया। तो पतला हो जाने से क्या हो गया, अब यहाँ से थोड़ा सा भी हम पोटेंशियल देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से चार्ज क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में इसीलिए हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, तो लो यहाँ पे क्या होता है जी, लो रेजिस्टेंस मिलता है हमको फॉरवर्ड में। अगर रिवर्स में करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस मिलेगा जी। चलिए हमने अभी डिस्कस किया, अभी केवल हम फॉरवर्ड बायस पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिवर्स बायस हम लोग अलग से पढ़ेंगे जी, और उसके बाद हम इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आएगी। तो ये बोला है जो वी है, देखिए ये वी आर इसके क्रॉस है, और जो वीडी है, जो वीडी है किसके क्रॉस, जो वोल्टेज डायोड के क्रॉस है उसको वीडी लिख रहा है, और जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज वी आर लिख रहा है। तो ये बोला है लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, देखिए यहां से क्या हुआ जी, हमको इसमें कितना करंट को लिमिट करना है उसके लिए क्या होगा, ये रेजिस्टेंस वेरी करेगा। अगर जितना रेजिस्टेंस भरेगा उसके क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपको ये आईएफ रहेगा। अब देखिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वीडी, डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है वीडी है, वो क्या होगा हमेशा फिक्स रहेगा जी। हर एक डायोड के लिए क्या होता है पार्टिकुलर वीडी होता है जो क्या होता है फिक्स होता है। चलिए हमने जो जो बताया यही सब लिखा हुआ है, हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं जी। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन का पी सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिए जी। पी सिरा किससे जुड़े हैं जी, तो बैटरी के क्या किए हैं धनात्मक सिरे से जुड़े हैं, वो बोल रहा है। इसकी अवस्था में डायोड में धारा प्रवाह पी से एन की ओर होता है, धारा कैसे प्रवाहित होगा तो पी से एन की तरफ होगा, पी से एन की तरफ होगा ठीक है जी। बैटरी के धन सिरे पी के होल को जंक्शन ऊपर पार भेजता है, बोला है बैटरी का धन सिरा जो है, यहाँ धन सिरा है क्या बोलेगा, धन सिरा पी के होल को, ये पी का होल इधर होगा जी, पी हमारा पी जंक्शन कैसा होगा जी हमारा, यहाँ पे देखिए इस वाले फिगर में आपको दिख रहा होगा, इस वाले फिगर में देखिए, तो पी वाले में जो है बोल रहा है, जो पी वाले में क्या है जी होल, जो पी वाले में होल है, ये जो होल है उसको क्या करेगा जंक्शन के पार, ये जंक्शन है मेरा पीएन जंक्शन है, इस जंक्शन के पार भेजेगा जी, जिससे हम एन के ऋण सिरा अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। देखिए अभी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी होल को अट्रैक्ट करेगा, और इधर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा होल्स को रिपेल करेगा, तो होल क्या करेगा इधर से इधर जाने की कोशिश करेगा ठीक है। इसी प्रकार बैटरी का ऋणात्मक सिरा एन, ऋणात्मक सिरा क्या है जी, ऋणात्मक सिरा बैटरी का है, ये क्या है जी एन जंक्शन को क्या करा है, ये जो एन जंक्शन है उससे क्या किया है कनेक्ट किया गया है। तो ये देखिए निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा जी रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा धक्का देगा, और इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा इधर खींचेगा, तो ये धक्का देगा ये खींचेगा, तो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा होल इधर मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा जी करंट सर्किट में फ्लो करने लगेगा। अब बात की जाए कि इसमें मेजोरिटी में कौन है, तो देखिए पी टाइप में होल्स मेजोरिटी में है, एन टाइप में क्या है जी इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है। इस बात को याद रखिएगा, अगर जिस भी बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं तो प्लीज उन सब लेक्चर को देखिए, तो ही आपको ये समझ में आएगा जी। चलिए उसी क्योंकि उसमें हमने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सेमीकंडक्टर की हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्कशन किया था, और यहाँ पे जंक्शन लेवल पे उभर भी डिस्कशन हो रहा है, तो इससे पहले उसको पढ़ना पड़ेगा मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद जंक्शन लेवल, उसके बाद हम लोग डायोड लेवल, उसके बाद ट्रांजिस्टर लेवल पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा कि थोड़े थोड़े लेवल क्या हो रहा है जी ऊपर हम लाते जा रहे हैं, तो इससे हम लोग सीखेंगे कि अभी हम लोग केवल मॉलिक्यूलर लेवल पर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं जी, इससे पहले मॉलिक्यूलर लेवल किया था हमने, अब जंक्शन लेवल पर डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। उसी प्रकार बैटरी का सिरा एन इलेक्ट्रॉन को जंक्शन के पर ढकेलता है, बोला है कि बैटरी का सिरा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जी इस इलेक्ट्रॉन को ढक लेगा, तो बोला ढकेलता है जिससे पी का पॉजिटिव सिरा अपनी ओर आकर्षित करता है, यही इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है पी का पॉजिटिव सिरा जो क्या करेगा जी ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, वहीं बोला आकर्षित करता है। जब डायोड अगर अभिनत अवस्था में होती है तो डायोड का प्रतिरोध कम होता है, देखिए जब ये फॉरवर्ड बायस में है तो बोला मैंने डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा पतला हो जाएगा, जैसे ही पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी किसी भी चार्ज को मूव करना आसानी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा जी वही बोल रहा है कि डायोड का प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा, डायोड का प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी बहुत कम हो जाएगा, तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं। तो अब हम लोग याद रखेंगे जब भी फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या हो जाएगा जी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो इसके उल्टा हम लोग समझ सकते हैं कि रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा जी रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा जी। चलिए जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहता है तो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई घट जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई घट जाएगी। अब देखिए विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ फॉरवर्ड बायस रूट अंडर फॉरवर्ड बायस, देखिए जी अब इसका मतलब हुआ कि जो विड्थ देखिए फॉरवर्ड बायस है यानी वोल्टेज है, जो वोल्टेज हम लगाएंगे जो बैटरी का वोल्टेज है वो है, अगर मान लीजिए
हम लोग क्या कीजिए, ये विड्थ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रूट अंडर वी के। तो अगर यहां पे मान लीजिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, वी क्या ले रहे हैं जी, एक ले लेते हैं हम लोग 100, एक वी क्या ले लेते हैं 121। तो अब देखते हैं जी, यहाँ विड्थ प्रोपोर्शनल टू 1/√V है, यहां मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा, विड्थ इक्वल टू K/√V हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। यहां से समझ सकते हैं, अब देखिए मान लेते हैं वी, जब हम वी की वैल्यू 100 रखेंगे तो विड्थ क्या मिलेगा जी, K/10 मिलेगा। और अगर वी की मान ले 121 वोल्टेज रख देते हैं वैल्यू, तो क्या मिलेगा जी, W की वैल्यू क्या मिलेगा, K/11 मिलेगा। तो इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें बड़ा है ये है जी। तो जैसे ही वोल्टेज हमने बढ़ाया तो क्या हो जाएगा जी, विड्थ ऑफ डिफ्लेशन रेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज हमने बढ़ाया तो डिफ्लेशन रेंज क्या हो जाएगा, कम हो गया है। तो यहाँ ही बात ये क्या किया है, इसी बात को यहाँ पे लिखा है विथ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रूट अंडर वी बायस, जो भी फॉरवर्ड बायस रहेगा उसके लिए हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस है, अगर रिवर्स बायस रहता तो ऐसा नहीं है जी, ये फॉरवर्ड बायस के लिए हमने बताया, रिवर्स बायस के लिए अलग कंसेप्ट आ जाएगा। डायोड के लिए फॉरवर्ड करंट जो इक्वेशन होता है, उस फॉरवर्ड करंट का इक्वेशन होता है, देखिए जी IF बराबर क्या होता है, यहां से देख सकते हैं IF बराबर क्या होता है जी, IF बराबर होता है I नॉट एक्सपोनेंट के टर्म में होता है, किसमें होता है जी, एक्सपोनेंट के टर्म में होता है, वोल्टेज ऑफ डायोड अपॉन ईटा VT -1। यहां से समझ सकते हैं ईटा VT -1। देखिए जी मैं इसमें सबका बता दूं, देखिए आई नॉट क्या है, लीकेज करंट है। अभी हमने लीकेज करंट के बारे में बताया था कि क्या होता है जी, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट हो रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था जी, तो फ्लो ऑफ जो माइनॉरिटी चार्ज हो रहा था क्या हो रहा था, लीकेज करंट, उसी को बोला जाता है। वीडी क्या है जी, तो फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस डायोड। अब देखिए डायोड के अक्रॉस हमने क्या है जी, जो वोल्टेज लगाया है, जो डायोड के अक्रॉस हमने जो वोल्टेज लगाया है, तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, यही वीडी है जी। क्या है, वही वीडी है। तो बोला है फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको वीडी बोला है। वीटी क्या है जी, थर्मल वोल्टेज है। वीटी क्या है जी, थर्मल वोल्टेज है। टी क्या है, यहाँ पे टी है, तो टी क्या है जी, टेम्परेचर है, केल्विन में रखेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर किस में रखेंगे जी, केल्विन में रखेंगे। वी 300 इक्वल टू 26 मिली। अब देखिए यही बोल रहा है कि जो वी होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे वीटी लिख रहे हैं, तो वी 300 केल्विन पे क्या होता है, तो 26 मिलियन वोल्ट होता है। क्या होता है, 26 मिलियन वोल्ट होता है, यानी रूम टेम्परेचर है ना 300, तो उसी पे निकाला है जी। अब रिकम्बिनेशन फैक्टर ईटा क्या है जी, यहाँ पे देखिए ईटा क्या है, तो ये रिकम्बिनेशन फैक्टर है। अब देखिए कुछ लड़के इसको हिंदी में बोल रहे हैं, कमेंट करने के हिंदी में से बताइए, तो मैं बता दूं कुछ ऐसे होते हैं ना जिसको आपको इंग्लिश में पढ़ना ही सहूलियत होती है, जैसे रिकम्बिनेशन फैक्टर अगर आपको हिंदी में पढ़िएगा तो बहुत अजीबो गरीबो नाम निकलेगा। इसलिए अब मुझे लगता है कि जिसने भी बीटेक वगैरह किया है, अब तो डिप्लोमा किया है, तो आप उतना तो समझ सकते हैं कि ट्रेड वाला है। चलिए जी, एन की वैल्यू यानी ईटा की वैल्यू बोल रहा है कि सिलिकॉन के लिए 2 होता है और जर्मेनियम के लिए क्या होता है जी, 1 होता है। सिलिकॉन के लिए 2 होता है और जर्मेनियम के लिए क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईटा क्या होता है, सिलिकॉन के लिए 2 होता है, जर्मेनियम के लिए 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए, डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता है, डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता है तो फॉरवर्ड करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। देखिए बोला फॉरवर्ड वोल्टेज लगाएंगे तो डायोड में क्या हो जाएगा जी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। अभी तो हम पढ़ रहे हैं करंट कैसे बढ़ रहा है जी, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा लोग, जिनको भी लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ा फास्ट है वो आप स्लो कर लीजिएगा, और जिनको भी लग रहा है कि वीडियो स्लो है तो आप फास्ट कर लीजिएगा। आपको तो पता है यूट्यूब फैसिलिटी सारे दे रही है, आजकल प्लेयर भी दे रहे हैं, तो इस सब बात से घबराइएगा नहीं। चलिए जी, बोला है अग्र बायसन में आरोपित वोल्टेज बैरियर का विरोध करती है। बोला है कि अग्र बायस में जो आरोपित वोल्टेज है बैरियर का क्या करती है, विरोध करती है और बैरियर के विपरीत होती है, जिसके कारण बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है। अब देखिए ये बात जो कहना चाह रहा है, मैं कहना यही चाह रहा हूँ, देखिए ये बोला है कि फॉरवर्ड जो बायस है क्या है जी, ये फॉरवर्ड बायस जो है मान लीजिए यहाँ पे, तो क्या है इसके अगेंस्ट में है। देखिए इसका पॉजिटिव किधर है, इधर है, निगेटिव है, इसका पॉजिटिव क्या है, इधर है, यहाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के विरोध करिए, एक दूसरे के विरोध करने से क्या होता है, ये तो हाईली वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज ये है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा डिप्लेशन स्लो हो जाए, इसका क्या होता है, डिप्लेशन रीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बायस में आरोपित वोल्टेज बैरियर का विरोध करती है, आरोपित वोल्टेज क्या होता है, बैरियर का विरोध करती है डिप्लीशन रीजन का, और बैरियर विपरीत होती है, जिसके कारण क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है। बैरियर पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगा, तो ही तो क्या हो जाएगा जी, बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
फॉरवर्ड बायस में केवल मेजोरिटी करियर के कारण फॉरवर्ड करंट होता है, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में जो होता है मेजोरिटी करियर के कारण ही क्या होता है, ये करंट होता है, ऐसा नहीं है, रिवर्स के कारण भी होता है, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम उसको इंक्लूड नहीं करते फॉरवर्ड बायस में, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, मेजोरिटी करियर क्या होता है जी, हमारे करंट का क्या होती है, मेन रीजन होती है। बोला है फॉरवर्ड बायस में क्या होता है जी, टेम्परेचर बढ़ने से फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता है जी। बोला है फॉरवर्ड बायस में टेम्परेचर बढ़ने से फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या होता है, घटता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में टेम्परेचर बढ़ने से देखिए, अब फॉरवर्ड बायस में देखिए टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो कौन सा चार्ज होगा जी, माइनॉरिटी चार्ज की संख्या बढ़ेगा, न कि मेजोरिटी चार्ज का। तो वही बोला है फॉरवर्ड बायस में टेम्परेचर बढ़ने से फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होता है जी, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज क्या होता है जी, बढ़ता है, जिसके कारण से क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में तो क्या है मेजोरिटी चार्ज चाहिए ना, तो मेजोरिटी चार्ज को तो प्रॉब्लम होती है उससे, जब माइनॉरिटी चार्ज बढ़ जाएगा तो मेजोरिटी चार्ज का क्या हो जाएगा जी, उससे टकराहट बढ़ जाएगी। तो टकराहट बढ़ने से क्या होता है, जो मेजोरिटी चार्ज है उसको क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है जी, मेन रीजन यहीं पे। इसको ज्यादा डीप मत समझिए, चलिए इस पॉइंट की तरफ एक थोड़ा सा इसको समझ लीजिए और आगे बढ़िए जी। चलिए देखिए, मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और रिकमेंड करें दोस्तों को भी, अपने पार्टनर्स को भी बताएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फैलाएं जी। आप मैंने देखा है कि अब चैनल का ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा इसको और भी सपोर्ट करें, जिससे क्या हो जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि आपको भी पता है कि बस इसका एग्जाम एक माह के अंदर है, उसके बाद तो इस वीडियो का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं। तो आप ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों को हेल्प करें और जो भी आने वाले भी बच्चे हैं उनको भी रिकमेंड करें कि वीडियो बहुत अच्छा पढ़ाया गया है जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया गया, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाया गया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के सारे मैंने चैप्टर कवर किए हैं। मैं बता दूं, मैं इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के टॉपिक कवर नहीं किए हैं, अगर आप लोग मेरे से इंजीनियरिंग ड्रॉइंग भी पढ़ना चाहते हो, मैंने टेस्ट सीरीज आपको दिया है, टेस्ट दिया है, आप टेस्ट सीरीज से देख सकते हैं कि मैंने कैसे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इंजीनियरिंग ड्रॉइंग भी मुझे पढ़ाना चाहिए तो मैं पढ़ाऊंगा, तो कमेंट में आप जरूर लिखें। और मैं एक बार आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि रिवर्स बायस में चलिए फॉरवर्ड बायस मैंने पढ़ा दिया, फॉरवर्ड बायस से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फॉरवर्ड बायस और डिप्लीशन रीजन में क्या रिलेशन होता है जी, फॉरवर्ड बायस और डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई होती है, डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई होती है उसमें क्या रिलेशन होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये कमेंट में जरूर आप लिख कर बताइएगा जी। अब तक चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा रिवर्स बायस की तरफ जी। चलिए तो अब आते हैं रिवर्स बायस की तरफ से। तो रिवर्स बायस में देखिए बोल रहा है क्या है, रिवर्स बायस का नाम देखिए जी, थोड़ा सा और भी नाम है, रिवर्स बायस भी है, ब्लॉक्ड बायस भी है, बैक बायस। देखिए फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड का बैक उल्टा भी होता है, रिवर्स भी होता है, ब्लॉक्ड बायस भी एक है, ठीक है। तो यहां से नाम देख सकते हैं कि और भी नाम है जी, तो इसके नाम और भी लिए जा सकते हैं। अब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बैक बायस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी, तो अब सोचिए बैक बायस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसलिए नाम आप सब याद रखिएगा जी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, मैं बता दूं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपको मैकेनिकल का भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पढ़ना है और सिविल पार्ट का भी पढ़ना है जी, इस बात को याद रखिएगा। उसमें क्लियरफाई नहीं किया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में किधर से पढ़ना है, इसलिए मैं बता दूं सब आप लोग, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ही है, जिसका इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही है, तो दोनों पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग कम से कम इसको पढ़ लीजिए। आगे पढ़ना रिवर्स बायस, ब्लॉक बायस एंड बैक बायस। रिवर्स बायस की स्थिति में बोल रहा है, रिवर्स बायस की स्थिति में पी की बैटरी निगेटिव और एन की बैटरी, देखिए मैं इसको थोड़ा सा पहले बता दे रहा हूँ। देखिए जी यहाँ पे देखिए, ये पी है, मेरा एन है, यानी हमारा जो डायोड का सिंबल कैसे होगा, डायोड का सिंबल हमारा ये होगा सर्किट में। अब देखिए किसने क्या किया, सर्किट वाला ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसे गायब कर रखा है। देखिए इसको इतना कम नॉलेज इस राइटर को, मैं क्या बताऊं, फिर भी पता ना बुक कैसे आ जाते हैं, अच्छे अच्छे राइटर, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग तो पता नहीं रोड पे हैं, और पता नहीं ये लोग कैसे कैसे चमक जाते हैं। तो आजकल दुनिया है दिखावा पे ज्यादा है जी, तो जो दिखावे पे विश्वास करते हैं वो दिखावे पे करें जी, इनको नहीं करना है उनको नहीं करें। चलिए देखिए ये फॉरवर्ड में, पी जंक्शन है, एन जंक्शन है, ये मेरा पी है, ये एन है, इधर मेरा क्या हो जाएगा जी, पी होगा। तो अब देखिए इसको रिवर्स में जोड़ना है, तो हम क्या बोले थे जी, इसको रिवर्स में अगर जोड़ना है तो क्या करेंगे, पी को देखो, पी को पी से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, और पॉजिटिव को क्या करेंगे, निगेटिव से जोड़ देंगे, निगेटिव से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, रिवर्स हो जाएगा।
रिवर्स हो जाएगा, लेकिन पी को पी से जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, अब पी को एन से जोड़ देंगे, पी को पॉजिटिव को एन से जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया, या इसको पी को इधर नेगेटिव से जोड़ दिया, उल्टा हो गया, तो अब रिवर्स बायस हो गया। इतना तो समझ सकते हैं, बहुत सिंपल आसान है। इसको याद रखिएगा दिमाग में, मैं किसी से भी नहीं कहूंगा कि ये याद रखिए, इसको याद रखिएगा, सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की कोशिश ना कीजिएगा जी। बढ़ते हैं, रिवर्स बायस या ब्लॉक बायस या बैक बायस इसका नाम है। रिवर्स बायस स्थिति में पी की बैटरी, बोल रहा जी पी जो बैटरी का टर्मिनल है, ठीक है जी, निगेटिव जो टर्मिनल है किससे जुड़ेगा, पी से जुड़ेगा, और जो एन टाइप की बैटरी है, जो एन टाइप है जो किसे बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा है जी, इसके कारण पी का होल, इसके कारण देखिए अब पी का होल है, यहाँ पे होल है, इस होल को पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो ये होल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा ना जी, जिसके कारण पी का होल और एन का इलेक्ट्रॉन बैटरी की ध्रुव के द्वारा आकर्षित किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे पी पे जो होल है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा ना, तो इधर आने लगेगा, इधर क्या है जी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या है जी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा, तो इधर आने लगेगा ना, तो इससे क्या होगा, इधर का चार्ज इधर आना, इधर का इधर चार्ज आने लगा, जबकि होना क्या चाहिए था, ऐसे करंट फ्लो करना चाहिए था, तो उल्टा हो गया ना जी, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। लेकिन देखिए अभी जेनर डायोड को ऐसे नहीं पढ़ रहे जी, जेनर डायोड सॉरी चलिए मैं जेनर, हाँ देखिए जी यहीं से हमारे जीनर स्टडी का कंसेप्ट आएगा जी, ठीक है ना, तो जीनर स्टडी मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर रखा हूँ, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी। तो यही देखिए, यही जो रिवर्स बायस होता है उसको क्या बोलते हैं जी, जेनर डायोड बोलते हैं, इसी रिवर्स बायस को क्या बोलते हैं, जेनर डायोड बोलते हैं, इसलिए अपने चैनल का नाम आज से मैंने रखा है जीनर स्टडी जी। तो जीनर स्टडी में आपका स्वागत है, और इसके लिए सबको कंग्रेचुलेशन कि मैंने धीरे धीरे नाम सिंबल चेंज कर दूंगा जी, चैनल भी मैं बना दूंगा इसके लिए, और ये सारी वीडियो मैं वहां पे भी कर दूंगा, तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी रिकमेंड कर दीजिएगा जी, जिससे कि क्या हो जाएगा, एक यूनिक नाम चाहिए था इसलिए मैंने इसको चेंज किया जी। तो इसी रिवर्स बायस को क्या बोलते हैं जी, जेनर डायोड बोलते हैं। जब किसी डायोड को रिवर्स में जोड़ा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे जी, जेनर डायोड बोलेंगे। अभी जेनर डायोड का कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। अब जेनर डायोड का दिखेगा सिंबल थोड़ा सा चेंज हो जाता है जी, जेनर डायोड का सिंबल क्या होता है जी, ऐसे हो जाता है थोड़ा सा, ये क्या है, ऐसे काट रहे थे, अब क्या करें हम लोग, ऐसे बना दिए जी, तो इसका क्या हो जाएगा, जेनर डायोड का सिंबल हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सिंबल भी देखते रहिएगा साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ जो जो टॉपिक पढ़ना है उसका सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन भी याद रखिएगा जी। मैकेनिकल का पार्ट पढ़ना है तो मैकेनिकल वाला, सिविल वाला का तो सिविल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला तो इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, जिससे क्या हो जाएगा आपको ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाएगा जी, सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन का पार्ट भी। कंप्यूटर साइंस भी पढ़ लीजिएगा सही से, आईटी लिटरेचर के आपको पता है, कंप्यूटर में आपको बैंक के तो आपको बहुत सारे सेट मिल जाएंगे जी, बहुत सारे सेट, उनको भी आप लोग तैयार कीजिएगा। चलिए इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन को नहीं पार करता जी, अब इसको तो इधर जाना चाहिए था, इसको इधर जाना चाहिए, अब तो ये क्या हो गया, उल्टा ही जाने लगा, तो क्या होगा, जंक्शन पार करेगा, नहीं करेगा, जंक्शन नहीं पार करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो और चौड़ा होता गया, ये जंक्शन और चौड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, और दिक्कत हो गई चार्ज को क्या करने में, इसको क्रॉस करने में, तो अब क्या हो गया, यही क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया जी, तो इलेक्ट्रॉन और होल को जंक्शन को नहीं पार कर पाते, जिसके कारण रिवर्स बायस की धारा परवाह नहीं होती है। अब रिवर्स बायस में धारा नहीं परवाह हुई, क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया जी, बहुत ज्यादा हो गया, बैरियर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। अब करंट नहीं पास किया तो क्या हो गया, अधिक हो गया। मेजोरिटी कैरियर रिवर्स बायस में स्थिति में कुछ रिवर्स करंट प्रवाहित होता है। अब देखिए अब मेजोरिटी कैरियर के रिवर्स बायस हो गया, तो अब माइनॉरिटी चार्ज है, देखिए अब माइनॉरिटी चार्ज भी है ना जी, माइनॉरिटी में भी तो यहाँ पे होल्स होंगे ना, तो वो होल्स क्या करेंगे, माइनॉरिटी में क्या है जी, यहाँ पी टाइप है तो ये होल है मेजोरिटी में, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर, इधर आना चाहेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव से है जी, तो माइनॉरिटी चार्ज तो आएगा, माइनॉरिटी चार्ज फ्लो करेगा, इधर भी माइनॉरिटी में क्या होगा जी, होल होगा, वो भी क्या होगा, इधर आना चाहेगा, तो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें मूवमेंट होगा जी, तो माइनॉरिटी चार्ज से मूवमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, वो करंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा, जिसको क्या बोलेंगे जी, रिवर्स करंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिवर्स करंट बोलेंगे। देखिए तो रिवर्स बायस में डायोड में प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। मेजोरिटी कैरियर के रिवर्स बायस स्थिति में कुछ रिवर्स करंट प्रवाहित होता है। कुछ रिवर्स करंट किसको वजह से प्रवाहित होता है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से जो रिवर्स करंट पास होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है जी, उसका क्या होता है, वैल्यू बहुत ही क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे देखिए जब पीएन रिवर्स बायस में होता है, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होता है, डिफ्लेशन विड्थ बढ़ जाता है और वोल्टेज बैरियर
बैरियर वोल्टेज भी बढ़ जाता है। अब जंक्शन के अक्रॉस क्या हो जाएगा, वोल्टेज मिलेगा जी, तो कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। अब बोल रहा है कि जो हमारा ये जंक्शन है इसके क्या है, इसके अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। अब देखिए, अब इस बात को समझिएगा, मैं क्या बोला हूं, इस जेनर डायोड, ये जो डायोड है इसके रिवर्स में हमने कम किया, रिवर्स में किया जी। चलिए हम मानते हैं कि ये सर ये हाई रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा और कुछ भी सर्किट लगा है। चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं सब। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पे जैसे हमने किया, अब क्या हुआ कि इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज जो जनरेट होगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। अब इससे हम सर्किट को क्या करेंगे जी, और एक्सटेंड कर देंगे इस सर्किट में, यानी जब भी हम यहाँ पे सर्किट में कुछ भी करंट पास होगा लेकिन इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज 6 वोल्ट है तो हमेशा 6 वोल्टेज ही मिलेगा ना, क्योंकि वीडी फिक्स है ना, वीडी टेम्परेचर पर डिपेंड है, वेरी करेगा तो वेरी क्या करेगा, क्या है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे करेगा। अभी तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर छेड़ेंगे नहीं, अब जैसे छेड़ेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट मिल रहा है तो 6 वोल्ट मिल रहा है, 7 वोल्ट मिला है या 12 वोल्ट, कोई पार्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा। जैसे ही पार्टिकुलर वोल्टेज मिला क्या हो जाएगा, ये मेरा स्टेबलाइजर हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजर हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे जी, स्टेबलाइजर के तौर पे यूज करेंगे। तो ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस का हम लोग पढ़ेंगे जेनर डायोड में ज्यादा से डिटेल में, और उसी से हम लोग स्टेबलाइजर बनाएंगे। अब आती है कि इसी को क्यों नहीं बनाए, तो देखिए कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए कुछ पार्टिकुलर कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं जो हम जेनर डायोड में जनरेट करेंगे, और उससे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे जी। आगे हम डायोड के VI कैरेक्टर पढ़ेंगे जी, उसके बाद डिफ्लेशन रिजल्ट, उसके बाद हम लोग टनल डायोड के बारे में पढ़ेंगे, जीनर डायोड पढ़ेंगे, एवलांस डायोड पढ़ेंगे जी। तो जीनर स्टडी चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो चलिए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कीजिए जी। टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखा है, टेस्ट सीरीज आप पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको भी देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू सो मच।